नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुबह की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में। आज मेरा ही नई रेसिपी देखते, मैंने ये भाजी ले ली। तो आज हमने लाए है पत्ता चटा की भाजी। तो ये भाजी है, तब इसको तोड़ लेते हैं अच्छे से पत्ती पत्ती इसकी। तो दोस्तों ऐसे तोड़ लेंगे नरम नरम, अच्छी पत्ती पत्ती, थोड़ी नरम वाली डागा वो भी तोड़ लेंगे। और इस तरीके से ऐसी डंडी निकलेगी तो इसको फेंक देंगे। तो भाजी हमने तोड़ के रख ली टप में, इतने डंडी निकली ऐसी, इस तरीके से ऐसे तोड़ ली। तो देखिए मोटी मोटी डंडी हटा दी, पतले पतले ऐसे जो तोड़ ली अच्छे पत्ते पत्ता। अब इसको धोएंगे। तो भाजी धो के इसको पानी हटा लिया, सब सूख गई, अच्छी हो गई। तो अब भाजी को काट रहे हैं हम। तो ऐसे पतली पतली काट लेंगे ऐसे। तो इसी तरीके से सारी भाजी काट के रख लेंगे। तो जहाँ पे लहसुन प्याज काट रही हूँ मैं, छील रही लहसुन प्याज देखिए। तो दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गई, तो अब इसी में डालेंगे तेल इस तरीके से देखिए। तो गैस चालू करके कढ़ाई रख दी थी, तो गर्म हो गया, अब डाल दिया तेल इसी में। तो तेल गर्म हो गया तब डाल देते हैं प्याज। तो प्याज डाल दी इसी में देखिए। तो इनको अच्छे से चमचे से चला देंगे, बाकी की ओर सारे डाल के अच्छे से भून देंगे। तो इनको गोल्डन होने तक भून लेंगे बहुत अच्छे से। तो अब मिर्ची भी डाल देते हैं साथ में हरी, तो क्योंकि भाजी के साथ मिर्ची है होना ज़रूरी है बहुत अच्छे से। जब तक मिर्ची ना डाले जब तक भाजी अच्छी टेस्टी नहीं लगती, तो मिर्ची होना ज़रूरी है हरी भाजी में। तो इसी में डाल पक गई है जो, अब तो ढाँक देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ा गोल्डन अच्छे से भुंज गई मिर्ची प्याज, तो अब डाल देते हैं भाजी। तो भाजी को अच्छे से मिला देंगे बहुत अच्छे से। तो इसको मिलाएंगे, तो बहुत अच्छे से इसको मिलाना है जब तक इनको। तो दोस्तों भाजी अच्छे से हो गई है, अब आप देख सकते हैं। तो अब डाल रही हूँ हरी धनिया। तो हरी धनिया डालने के बाद में इसको फिर और मिला देंगे चम्मच से, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी सारी भाजी। और दोस्तों अब बनने लगी रोटी। तो भाजी हटा दी तब रोटी बन रही है ये देखिए। तो रोटी बना लेते हैं इस तरीके से। रोटी बना के तैयार कर ली सारी हमने, पूरी रोटी बना ली है। तो दोस्तों मैंने बना ली पत्ता चटा की भाजी, और इधर सलाद ले लिया और इधर रोटी। तो मैंने बना के तैयार कर ली भाजी खाना, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने बनाई है। और आप भी ज़रूर बनाइए भाजी खाना, तो अच्छा रहता सेहत के लिए भी, और जिसको पसंद है खाएं बनाएं। तो मैंने बनाई पत्ता चटा की भाजी। तो दोस्तों कहते हैं कि कोई कुछ के नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम भी रहते हैं अलग अलग अपने गांव के हिसाब से। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।